2020 के तीसरे दिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस डिफेंस एक्सपो के जरिए उत्तर प्रदेश में 23 बड़ी जो विदेशी कंपनियां हैं उनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके जरिए सूबे में कुल करीब 50,000 करोड़ रुपए के निवेश आने की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा 5 लाख युवाओं के लिए नए रोजगार भी पैदा होंगे। इस खास बातचीत में उन्होंने जनता टीवी के सवाल के जवाब में कहा कि लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी, वहीं से अब तक सशस्त्र सेनाओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले डोर्नियर विमान की जल्द ही पहली उड़ान होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने HAL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर कर लिए हैं और वो जल्द ही 2 डोर्नियर विमान HAL से इन सामान्य नागरिक सेवाओं के लिए खरीदने वाली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये बताया कि ये जो आयोजन है इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और उत्तर प्रदेश को इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हब बनाने की जो योजना है वो भी साकार हो सकेगी। इसके अलावा प्रदेश में रक्षा क्षेत्र में निवेश बड़े पैमाने पर आकर्षित करने के लिए तमाम महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें डिफेंस और एरोस्पेस को लेकर के एक बड़ी नीति तैयार की गई है। साथ ही इस तरह की मंजूरियां प्रदान करने के लिए कंपनियों को एक पोर्टल भी तैयार किया गया है जिससे सिंगल विंडो क्लियरेंस की जो सुविधा है वो इन कंपनियों को प्रदान की जा रही है। लखनऊ से मैं कविता जोशी, जनता टीवी। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की गठबंधन की सरकार ने 100 दिन के कामकाज पर खुद की पीठ थपथपाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हुए और विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने 100 दिन में 101 काम किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सरकार के 100 दिन के कामकाज का लेखा जोखा लेकर शुक्रवार को चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष के कई हमलों का करारा जवाब दिया। सीएम ने कहा कि विपक्ष केवल जुमले गढ़ता है लेकिन मौजूदा सरकार अपने कामकाज पर भरोसा रखती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2020 को सरकार सुशासन साल के तौर पर मना रही है और इसी के चलते गुड गवर्नेंस को लेकर काम प्रदेश में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि हरियाणा के निजी क्षेत्र में अकुशल श्रमिकों के लिए 75% नौकरियों को रिजर्व करने का सरकार ने एक फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फैसला ऐच्छिक तौर पर निजी कंपनियों के पास रहेगा लेकिन अगर कोई कानून इसके लिए बनाना पड़ा तो सरकार उस पर भी विचार करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 100 दिन के कामकाज की कई उपलब्धियां मीडिया के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्री बजट मीटिंग भी सरकार ने शुरू करने का फैसला किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार के 100 दिन के कामकाज की उपलब्धियों में कई घोषणाएं और फैसलों की जानकारी दी। सीएम ने एक नई घोषणा की और ये कहा कि रविदास मंदिर कुरुक्षेत्र में 5 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। इसके लोगों का एक स्वाभाविक सा एक जुमला रहता है कि ये कुछ नहीं किया है, काम शुरू ही नहीं किया है और हम ये कहते हैं कि चौके उनके पास तो कोई काम होता नहीं है सिवाय बोलने के और सिवाय जुमले बोलने के। चौके खाली हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, हमारे पास काम इतना है कि हम उनकी इस प्रकार के जुमलों का जवाब देने की आवश्यकता भी नहीं समझते और ना हमारे पास ये इतना समय कि उनकी हर बात को जिसका कोई अर्थ नहीं है उसके बारे में भी कहते रहें। 100 दिन के कामकाज पर सरकार भले ही खुद की पीठ थपथपा रही है लेकिन विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बहरहाल देखना यही होगा कि सरकार ने दिल्ली में मतदान से ठीक एक दिन पहले हरियाणा की सरकार ने जो मॉडल पेश किया है उसका असर दिल्ली के चुनावी नतीजों में बीजेपी को कितना मिल पाता है। पंजाब में राजनीतिक बदल इस बार एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। पूर्व चुनावों के समय के बीच आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिला था, हालांकि सत्ता तक पार्टी नहीं पहुंच पाई लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी जरूर बन सकी। लेकिन इस बार हालात काफी बदले हुए हैं।
अकाली दल के बीच दिग्गज माने जाने वाले सीनियर नेता पार्टी को छोड़ करके अकाली दल टकसाली बना चुके हैं, तो ढींडसा परिवार ने भी दूरियां बना ली हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो कांग्रेस के बीच भी नाराजगियों का दौर कम नहीं है। बेशक बहुमत के साथ में सत्ता के बीच कांग्रेस पहुंची पंजाब सरकार के रास्ते तक पे, लेकिन अगर इन सभी चीज़ों को देखा जाए कि अकाली दल से गए हुए नेता और कांग्रेस से नाराज नेता अगर एक होकर के फ्रंट बनाते हैं, तो आम आदमी पार्टी भी स्पष्ट कर चुकी है कि सत्ता के रास्ते तक जरूरत अगर इस फ्रंट की पड़ी तो वो उसके साथ में जुड़ने के लिए तैयार होंगे। कह सकते हैं आज का पंजाब का राजनीतिक सिनेरियो जिस तरह से बदल रहा है काफ़ी कुछ तय करेगा दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बहुमत के साथ में बनती है या फिर नहीं। उसके बाद में पंजाब के हालात भी उसी तरह से बदलते हुए दिखाई देंगे। देखो इस तरह कि ये कोई दो राय नहीं है कि अकाली दल दे विच जिहड़ी डिसग्रंटल्ड लीडर्स ने जिहड़े वो बहुत वड्डी गिणती विच ने, लोगों के विच नाराजगी नमोशी गुस्सा जिहड़ा अकाली दल के प्रति हजे घटिया नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के कार्य उन्होंने दस साल किए ने। कांग्रेस का मैं समझदा कि तिन सालों के एक भी वादा जिहड़ा उन्होंने पूरा नहीं किया है, जिहदी वजह करके अज कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने वो कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब सरकार की कार्यशैली तो नाराज़ भी ने ते सवाल भी खड़े करने शुरू कर दिए। संगरूर का देख लिया जो इकट्ठ से जोड़ा कभी ढींडसा साहब के टाइम पर भी नहीं होया, उस तो भी दुगड़ा इकट्ठ फरकण करके असली शक्ति जी पार्टी है वर्कर, इस करके कई बार भुलेखे लग जाते हैं पर वर्कर तो वही शक्ति कोई नहीं। वर्कर द्वारा एक होता वर्कर चाहता कि दोबारा 2022 सरकार बने। मैनू मेरे हल्के दे लोकां ने बड़ी वड्डी जित दे के असैंबली दे विच भेजिया, मैं उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने हकों की गल पंजाब दे लोकां की गल पूरी डट के असी करते रहेंगे। तो भविख विच असी श्रोमणी अकाली दल दे विच मैंबर हो रखण ना रखण, पर असी पार्टी श्रोमणी अकाली दल की ये सोच है जो विचारधारा है तो जो सिद्धांत सी उन्हां नू अगे लैके जावांगे, उन्हां नू दुबारे स्थापित करन दी असी लोकां दे विच मुहिम चलावांगे। इस दे अंदर चाहे अज अकाली पार्टी बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया, लोकां ने जमा मांझा फेर के इन्हां नू 12 सीटां दे उत्ते लिया के खड़ा करता, परंतु लोकतंत्र दे अंदर एक मजबूत विपक्ष दा होना जरूरी है। तो विपक्ष उदों ही मजबूत होगा जिहड़े काम नू लैके चाहे वह अज टकसाली अपने आप नू कहिंदे है, जदों ताईं एस जी पी सी नू एक परिवार के चुंबल चो नहीं कढ़िया जाता उदों ताईं पंजाब के अंदर एक सक्षम विपक्ष नहीं खड़ा हो सकता। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ सुमित जोशी, जनता टीवी, चंडीगढ़। हरियाणा में चर्चित धान खरीद घोटाले को लेकर अब सरकार ने सफाई दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि उनके संज्ञान में जब कोई घोटाले की आशंका हुई तो सरकार ने मामले की तुरंत जांच करवाई है, जबकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ये मानते हैं कि हरियाणा में धान खरीद में कोई बड़ा घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इस मामले में दो बार फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई है। हरियाणा का धान घोटाला विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा है और लगातार चर्चा में है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये कहना है कि हरियाणा की सरकार में जब किसी घोटाले का पता चलता है तो उसकी सरकार जांच जरूर करवाती है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में विपक्ष पर निशाना साधा और ये कहा कि पिछली सरकारों में घोटालों को दबाया जाता था, लेकिन मौजूदा सरकार किसी भी आशंका के ऊपर भी जांच बैठाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर धान घोटाले में कोई दोषी है तो उनको किसी भी हालत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइस मिलर के गारंटर से भी धनराशि वसूलने की सरकार ने तैयारी की है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान के ठीक उलट उप मुख्यमंत्री और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री दुष्यंत चौटाला का ये कहना है कि हरियाणा में धान की खरीद में कोई बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो आरोप लगाया है, लेकिन उनसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनकी सरकार में 2013 में जो धान खरीद हुआ था उस घोटाले का भी जिक्र करना चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि धान की खरीद में नमी जो है उसके चलते राइस मिलर्स के पास स्टॉक कम मिला है। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने ये भी कहा कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लिखित में इस मामले की सीबीआई जांच चाहते हैं तो सरकार तैयार है, लेकिन इसके साथ उनके कार्यकाल में
जो धान की खरीद हुई थी उसकी भी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बयानों में जो विरोधाभास है वो कहीं न कहीं धान घोटाले की खबरों को और ज्यादा हवा दे रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ये मानते हैं कि धान घोटाले की आशंका थी, इसके चलते जांच हुई, जबकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस मामले में विभाग के मंत्री भी हैं और उन्होंने राइस मिलर्स को नमी के नाम पर राहत देने की कोशिश जरूर की है। प्रशासन द्वारा बल्लभगढ़ के दुकानदारों को बार बार चेतावनी देने के बाद भी दुकानदार बाज नहीं आ रहे हैं और अपनी दुकानों के सामने लगातार अतिक्रमण कर लेते हैं, जिसके कारण जो आने वाली जनता है उसको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज इसी संदर्भ में बल्लभगढ़ के SDM त्रिलोक चंद ने यहां पर अभियान चलाया और अतिक्रमणों को वहां से हटवाया। साथ ही जिन दुकानदारों ने ज़्यादा अतिक्रमण किया हुआ था उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। साफ तौर पर SDM ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी दुकानदार ने सड़कों पर अतिक्रमण किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो गलियां हैं और जो दुकानों के आगे जो नालियां बनी हुई हैं उनको भी वो साफ सुथरा रखें ताकि गंदगी को भी शहर से भगाया जा सके। बल्लभगढ़ से जनता TV के लिए राजेंद्र कुमार। आज हम आपको दिखाते हैं, कल जनता TV ने एक खबर दिखाई थी कि एक किसान का बिजली का बिल लाखों रुपए का आया हुआ था। आइए आज हम किसान से बात कर लेते हैं, अब ठीक होके बिल कितना रह गया? मेरा 1,09,000 रुपए बिल था और अब ठीक होकर के 2,46,45 रुपए रहेगा। मैं जनता TV का धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने मेरी अच्छी खबर दिखाई और मेरा बिजली का बिल ठीक हो गया। ये देखिए, आपने किसान का 1,00,000 रुपए बिल होने के बावजूद मीडिया ने जब इस मामले को उठाया, खासकर जनता TV ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो जनता TV की खबर का असर हुआ और बिजली विभाग ने इनका जो 1,00,000 रुपए का बिल था वो ठीक करके 2,000 के आसपास रख दिया। जनता TV के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह। हरियाणा पुलिस द्वारा क्राइम को कम करने के लिए बार बार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, परंतु अभी भी वास्तविकता बिल्कुल इसके परे है। यदि साइबर क्राइम की बात की जाए तो हर रोज साइबर क्राइम की घटनाएं घट रही है और पुलिस इस पर अंकुश लगाने में अभी तक नाकाम साबित हुई है। हिसार की बात की जाए तो अभी तक हिसार में अगर एवरेज निकाली जाए तो हर रोज एक साइबर क्राइम की घटना घटती है और जो पीड़ित है केवल मात्र पुलिस को शिकायत देकर ही रह जाता और पुलिस द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और अगर साइबर क्राइम की बात की जाए तो जब हमने इस बारे में साइबर सेल से संबंधित PRO विकास से बात करनी चाहिए तो उन्होंने यही कहा कि वो साइबर सेल के बारे में कोई भी जानकारी अपनी साझा नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं साफ नज़र आता है कि जो साइबर सेल में कर्मचारी तैनात किए गए हैं उनकी योग्यता पर कहीं ना कहीं संदेह है, जिसके चलते ही वो जो साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी क्राइम होता है उस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित होते हैं और जिसके चलते अन्य जितने भी मामले हैं वो अभी तक पेंडिंग नज़र आते हैं। सार से जनता TV के लिए कैमरामैन सुभाष के साथ प्रदीप धोहन की रिपोर्ट। देश भर में साइबर सेल के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में बात अगर करनाल की करें, करनाल में साइबर सेल जो है अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ जहां लैस है, वहीं करनाल में 10 साइबर सेल एक्सपर्ट्स जो है एक टीम के साथ यहां पर काम करते हैं। कई ऐसे मामले जो है सामने आए हैं जिसको साइबर सेल ने बड़े चतुराई से, बड़े ही तरीके से जो है उसको सोल्व आउट किया है। और करनाल की अगर बात करें तो करनाल में बड़े अच्छे हाई क्लास के कैमरे भी जो है लगे हुए हैं, उससे भी कहीं ना कहीं बड़े मामले जो है इस तरह के ट्रेस आउट हुए हैं। और इस समय DSP साहब हमारे साथ मौजूद है करनाल से, वीरेंद्र सैनी, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे करनाल की साइबर सेल टीम की अगर बात करें तो किस तरह से, कितनी लोगों की टीम है और किस तरह से उसमें एक्सपर्ट्स हैं, चाहे साइबर एक्सपर्ट्स की बात की जाए, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स की बात की जाए, तो किस तरह से वह कार्य करती है, क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली मैं आप सबको बताना चाहूँगा, करनाल के अंदर हमारी एक स्पेशलाइज टीम है जो साइबर सेल एक इंस्पेक्टर उसका नेतृत्व करते हैं, वो तो हमारे जो PH हमारा हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वहाँ बैठते हैं। इसके अलावा हमारे पास CIA में और थानों में भी एक्सपर्ट होते हैं जो मतलब बिल्कुल उस लेवल के तो नहीं है जो साइबर टीम में है, लेकिन उनके थोड़ा बहुत नीचे होते हैं, वो अगले से उतना आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो ये आपने देखा DSP करनाल हमारे साथ मौजूद थे और साइबर एक्सपर्ट्स की अगर बात की जाए तो करनाल में 10 एक्सपर्ट्स की एक टीम है, इंस्पेक्टर उसका नेतृत्व करते हैं। हालांकि पहले ऐसा जरूर देखा जाता था, चाहे करनाल की बात की जाए या अन्य जिलों की बात की जाए, कि हरियाणा पुलिस के पास साइबर एक्सपर्ट्स की कमी थी और जो अमूमन BA पास जो
जो पुलिस कर्मचारी हैं वो जो है साइबर एक्सपर्ट्स बने होते थे, लेकिन अब जैसा कि डीएसपी करनाल ने भी बताया कि उनके पास जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, जो आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं, वो भी उनकी टीम में शामिल हैं ताकि साइबर से संबंधित जो केसेस हैं उसको जल्द से जल्द जो है वह ट्रेस कर पाते हैं। कमल मिड्डा, जनता टीवी, करनाल। मॉक ड्रिल इस समय चल रही है लघु सचिवालय पर, और इस तरह से 11 बजे सायरन बजने के बाद जो लोग थे लघु सचिवालय में वो नीचे उतरे और भूकंप आने की स्थिति में किस तरह से बचाव किया जाएगा, किस तरह से इस तरह से लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी, उसकी मॉक ड्रिल यहां पर चल रही है। आप देख सकते हैं जो नोडल अधिकारी हैं वो एक तरह से मॉक ड्रिल को अमली जामा पहना रहे हैं। जो लोग यहां पर खड़े हैं ये लोग कर्मचारी हैं एक तरह से लघु सचिवालय में, इनको यहां से उतारा गया है, कुछ लोग सीढ़ी से उतर करके आए हैं। तो एक तरह से जैसी स्थिति मॉक ड्रिल जो भूकंप के समय में जो स्थिति होगी उससे निपटने के लिए किस तरह से अभ्यास किया जाएगा, उस चीज़ को लेकर के प्रशासन संजीदा है और आज मॉक ड्रिल के माध्यम से अपनी तैयारी को जांचा जा रहा है। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। देश के प्रधानमंत्री जहां पर भारत को डिजिटल इंडिया बनाने का सपना देख रहे हैं, वहीं पर हरियाणा के गुरुग्राम साइबर थाने में रोज 30 से 35 साइबर क्राइम की शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में लगातार साइबर सिटी गुरुग्राम में बढ़ती साइबर क्राइम की वारदातों से कहीं ना कहीं लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। अब देखना होगा कि साइबर क्राइम इस तरह के मामलों पर कब तक नकेल कस पाता है। हालांकि साइबर क्राइम से निपटने के लिए लगातार स्कूल और कॉलेज में बच्चों को जागरूक भी किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस वारदातों पर कब तक अंकुश लग पाता है और लोगों में साइबर अपराध के प्रति कितनी जागरूकता बढ़ पाती है। गुड़गांव में एक विशेष साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई थी 2018 मार्च में। तब से लेके अब तक हमारे पास एक्सपर्ट पुलिस के ही मुलाजिम हैं जो बाहर से ट्रेनिंग करके आते हैं और निरंतर इनको ट्रेनिंग देती रहते हैं। डेली के हिसाब से 30, 35, 40 तक कंप्लेंट हमें रिसीव होती हैं। आईओ इन कंप्लेंट्स पे काम करते हैं। सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स जैसे बैंक, पेमेंट गेटवेज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, मोबाइल कंपनियों से तालमेल करके उनको मेल करके इंफॉर्मेशन मांगते हैं और फ्रॉडस्टर तक एंड यूज़ बेनिफिशियरी तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। गुरुग्राम से विजेंद्र कुमार, जनता टीवी। मॉक ड्रिल इस समय चल रही है लघु सचिवालय पर, और इस तरह से 11 बजे सायरन बजने के बाद जो लोग थे लघु सचिवालय में वो नीचे उतरे और भूकंप आने की स्थिति में किस तरह से बचाव किया जाएगा, किस तरह से इस तरह से लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी, उसकी मॉक ड्रिल यहां पर चल रही है। आप देख सकते हैं जो नोडल अधिकारी हैं वो एक तरह से मॉक ड्रिल को अमली जामा पहना रहे हैं। जो लोग यहां पर खड़े हैं ये लोग कर्मचारी हैं एक तरह से लघु सचिवालय में, इनको यहां से उतारा गया है, कुछ लोग सीढ़ी से उतर करके आए हैं। तो एक तरह से जैसी स्थिति मॉक ड्रिल जो भूकंप के समय में जो स्थिति होगी उससे निपटने के लिए किस तरह से अभ्यास किया जाएगा, उस चीज़ को लेकर के प्रशासन संजीदा है और आज मॉक ड्रिल के माध्यम से अपनी तैयारी को जांचा जा रहा है। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। नामधारी संपर्दा के मुखी स्वर्गीय सतगुरु जगजीत सिंह के धर्म पत्नी माता चंद कौर जी का 4 साल पहला भैनी साहब विखे ही कतल कर दिता गया सी। 4 साल बीत जाने के बावजूद भी उन्होंने कातला नूं पकड़िया नहीं गया। तो अज नामधारी संपर्दा की जी संगत है वह रोस प्रदर्शन करने लिए मजबूर है और सड़क से उतरती दिखाई दे रही है। मंग है कि माता चंद कौर जी के कातलों को जल्द तो जल्द पकड़िया जाए, क्योंकि कुछ लोगों के सियासी दबाव के कारण कातल हाले भी खुलेआम फिरदे दिखाई दे रहे हैं। संगत दे विच रोस है, मंग पत्र दिता जा रहा संगत दे वल्लों सरकारां दे नां उत्ते, अते नाल ही मंग की जा रही है कि जल्द तो जल्द कातलों नूं पकड़िया जाए, नहीं तो अपना यह संघर्ष होर तेज़ किया जाएगा। देखना हुण यह होएगा कि संगत जो कि नाम जपती है, परमात्मा का नाम जपती है, उसका यह संघर्ष की रंग लिया है, तो कद इन की आवाज़ सुती पई सरकारां दे कन्नां तक पहुँचती है। कैमरा परसन विक्की मलक दे नाल भोपाल सिंह, जनता टीवी, बटाला। आज पठानकोट अमृतसर राष्ट्रीय मार्ग पर उस समय हादसा हो गया जब एक तेज़ रफ्तार कार जो कि अमृतसर से पठानकोट की ओर आ रही थी उसने
ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो पलटता हुआ पेड़ से जा टकराया, जिसमें करीब 8 सवारियां बैठी थी। वहीं कार भी जो है अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां कार चालक को चोटें आई हैं, वहीं ऑटो में बैठी 8 सवारियां भी जख्मी हो गई, जिन्हें हॉस्पिटल इलाज के लिए दाखिल करवाया गया। वहीं डॉक्टर का कहना है कि कुल 9 पेशेंट जो हैं वो जख्मी हालत में पठानकोट सिविल हॉस्पिटल इलाज के लिए आए थे, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है, बाकी सभी का इलाज पठानकोट में चल रहा है। मुकेश सैनी, जनता टीवी, पठानकोट।